अबे मरेगा क्या भाई, क्या कर रहा है तू? उठ, मरना है मुझे। अबे पागल मत बन, इधर आ। तेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो क्या सुसाइड करने चला जाएगा क्या? माँ बाप ने कुछ बोल दिया चले सुसाइड करने, एग्जाम में फेल हो गया चले सुसाइड करने, अबे तू तो चला जाएगा, लेकिन तेरे घर वालों के बारे में कभी सोचा है क्या? इसी गलती की वजह से मैंने एक मेरा भाई खोया है। शामराव देख शामराव। अरे ओ शामराव, कहाँ जा रहे हो? भैया काम पे जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे बेटे का फोटो है अखबार में, 12वीं कक्षा में पूरे जिले से अव्वल आया, अव्वल। अरे भाई देखने दे, ओ मेरे बेटे ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया और गांव का भी। इसी खुशी के अवसर पर हमारा मुंह मीठा करा दो। रुको मैं अब लाता हूँ मिठाई। बेटा मिठाई का डब्बा देने कितने का? 60। चलो रख देना, खुशी का मौका है, ले लो भाई। मालती मालती देखो देखो, प्रांजल का अखबार में फोटो आया है और उसने जिले में अव्वल भी किया है। अरे वाह, मिठाई लाए हो? आओ मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे देखो देखो प्रांजल की फोटो आई है। हाँ सच में भैया, देखो आपका नाम आया है पेपर में। अरे हाँ मेरा नाम आया। ये जो बेटा मुंह मीठा करो। पिताजी आप खुश तो हो ना? बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। पिताजी आप बस आपके लिए तो पढ़ाई करनी थी बेटा, अभी आगे के क्या सोचा तुमने? पिताजी मुझे तो बाहर शहर जाके इंजीनियरिंग करना है पिताजी। ठीक है बेटा, शहर जाके अच्छे से पढ़ाई कर अभी तू, मैं पैसों का इंतजाम करता। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई कर मेरे लाल भाई। वो देख क्या आइटम आ रहा है। अरे ये तो माल दिख रही है क्या? 9 से 12। क्या बुला रहे मेरी बहन को? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दूंगा। अरे जाना करना, डर दे क्या? इनके मुंह में रुकना, बता दें तेरे को। अरे अकेले में मिल। तो मेरा बेटा कल पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है, तो आज मुझे जल्दी कर जाना। चले जाओ। मालती मालती प्रांजल कहाँ गया? मैंने उसके लिए जॉकेट लाया थी। प्रांजल? हाँ पिताजी। और हो गए क्या उसे? मेरे लिए ना जाने की तैयारी? हाँ बस बैग पैक खोलने की। पिताजी इसके लिए लाया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया आपने? मैं लाडला हूँ ना पिताजी का। अरे वो शहर में जा रहा है ना पढ़ने के लिए। हाँ तो मैं भी तो पढ़ाई कर रही हूँ। तो अगले साल जाएगी तो तुझको भी ला के दूंगा मैं, ठीक है? नाराज मत हो। अच्छा लगा। अच्छा है पिताजी। बेटा तू जिस काम के लिए जा रहा है वो ध्यान में रखकर तू अच्छे से पढ़ाई कर, और तुझे किस बात का टेंशन हो तो तू बिंदास होके फोन करना। तुझे तो अपनी परिस्थिति पता ही है, अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमारा नहीं तो कम से कम अपना खुद का नाम रोशन कर ले। बेटा मैं तो नहीं पढ़ सका, तुझे पढ़ा रहा हो, और तेरे कुछ पढ़ाई के लिए कुछ पैसे लगेंगे तो मैं घर भी भेज दूंगा बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई कर और अपना नाम रोशन कर, ठीक है? हाँ पिताजी। आप उसकी फिक्र मत करो पिताजी, मैं मन लगा के पढ़ूंगा और अपनी जो परिस्थिति है उसको मैं बदलाव लाऊंगा अपनी परिस्थिति में। हाँ बेटा तू मन लगा के पढ़। बेटा तू मन लगा के पढ़ाई करना और कुछ लगे तो बिंदास होके फोन करना, ठीक है? बेटा तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। आप मेरी फिक्र मत करो पिताजी, आप बस गुड़िया और माँ की तरफ ध्यान देना, और मन लगा के पढ़ूंगा और पहुंचने के बाद आपको फोन करता। हाँ बेटा। बे चंपू इधर आ। हाँ सर। नाम क्या है तेरा? सर प्रांजल। क्यों माँ बाप ने सरनेम नहीं रखा क्या? सर पाटिल। ऊपर क्या देख रहा, नीचे देख, नीचे देख। हाँ सिखाया नहीं क्या किसी ने कैसे रहने का सीनियर्स के सामने? इधर आ। सर पहला दिन है। पहला दिन है।
रहता क्या है तू? शर्टिंग कौन करेगा? ऐसा थे क्या कॉलेज में? कैसा इंजीनियर बनेगा तू? पानी पिला ऐसे पीरा क्या मामा पानी? ना पानी तो प्यास तो लगी, तू कैसे कर रहा? देख पानी और पौधों को पिला दे थोड़ा। उधर ही पौधे जा बेटा, भर के ला फिर से। भाई ने नहीं पिया ना? क्या रे, ज्यादा बड़े हो गए क्या? सर सॉरी सर। भाई अपना क्यों रे, ज्यादा चर भी चढ़ गए क्या? नहीं सर सॉरी। क्यों जूनियर को डरा रहे? हां मेरे को डरा के बताना। सुन रे, आज से मेरे भाई को तकलीफ तो पूरे कॉलेज को तकलीफ, समझे क्या? चल रे। हाँ बोलना। आज अपेक्षा देखो ना कितनी खूबसूरत दिख रही ना। जाना जाके बात कर लेना, क्या है तो दिल की बात बता ही दे आज तू। नहीं नहीं मेरे को डर लगता है। अरे तेरा भाई बैठा है ना इधर, डरने की बात है पगले? फिर भी मैं किसी लड़के के साथ ऐसी बात नहीं की है। तू जा रहा है या मैं जाऊँ तेरी बात करने? अरे नहीं आप रुको ना, जाता हूँ। जा पट से सच में जाओ। अरे कुछ हुआ तो बैठा हूँ ना इधर मैं। जा जा जा, कुछ नहीं होता। जा भाई, फिर भी भैया डर लग रहा है मेरे को। तू जाना, जा रहा की खा रहा? नहीं जाता। यह पिक्चर होती दिख भी दिख रहा है? देखने दे। हाँ हाँ देखो, ही देख रहे हो? दिख भी इधर आ रहा है। आने दे आने दे। आ रहा है वो देख। अपेक्षा। हाँ बोलना। मेरे तेरे से बात करनी थी। क्या बोलना था? बोल। ओ अरे बोलना बोलना। इधर ही। हाँ इधर ही, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? फिर भी बोल, क्या बोलना है? अकेले में बात करनी थी। अच्छा अपेक्षा माते, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोज ना मैं तुझे कॉलेज में रोज छुप छुप के देखता हूँ, तूने नोटिस किया होगा मेरे को? और तेरे वो लहराते हुए बाल, तेरी स्माइल, बस देखने का मन करता। तू पहली लड़की है जो मेरे दिल को छा गई है। अरे बोलना क्या चाहते थे? सच्ची भैया उसने हाँ बोल दी। अरे ये हुई ना बात, आज तो पार्टी बनती है भाई। बिल्कुल। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। अरे बादशाह भाई, पता है क्या, आज अपेक्षा भाभी ने प्रांजल को हाँ बोल दिया। क्या बात कर रहा है? अरे प्रांजल। हाँ बादशाह भाई, आज उसने मेरे को हाँ बोल दिया। भाई प्रांजल, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना गहरे में मत जाना कि अपने घर वालों को भूल जाए। हाँ भाई समझा, ध्यान में रखना। हाँ भाई, ये पार्टी अपने दोस्ती के नाम पे। चीयर्स। चीयर्स दोस्ती के नाम। प्रांजल पीने रहे तू? पीने रहे बस। मैंने आज तक नहीं थोड़ी सी पी, थोड़ी सी पी, थोड़ी सी पी, थोड़ी सी पी। कुछ नहीं होता, पीना। लेकिन मैंने आज तक पी नहीं है भाई। अरे भाइयों का प्यार है रे ये। पी पी, कुछ नहीं होता। नहीं बोतल आराम से। आराम से ले प्रांजल। बताया नहीं मेरे को प्रपोज कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सच में। हाँ इसलिए तो हाँ बोली मैंने तेरे को। हाँ कैसा बोली तूने? बोलना कैसे बोल दी? हाँ माँ। हाँ मैं थोड़ा काम में हूँ, 5 मिनट में कॉल करता। ठीक है, बात तो कर लिया रहता अच्छे से। तो बाद में कहते ना, तू थोड़ी ना रोज मिलती, अपन दिन में कितने कम मिलते। तो मम्मी पहले आती ना। एक तो दिखते भी नहीं कॉलेज में। टाप के थक चुका हूँ मैं तेरे को। देख ले, उठा लेना। अरे जान देना, छोड़ देना बात तो कर। ओ रोज का चाहे वहाँ का कॉल करती पहले आती, उठा तो ले। अरे लेक्चर में हूँ, बुलाना मैंने अभी। इतना झूठ बोलना पड़ता क्या?
हाँ मैं समझता नहीं क्या तेरे को, बाद में कॉल करता, बताया ना मैंने काम में हूँ बोला ना। हाँ मैं बाद में कॉल करता, अभी कॉल मत करना। मम्मी से कोई ऐसी बात करता क्या? छोड़ने आ जाने में तू। वाह अच्छी बात कर ले तो अच्छा रहता। क्या अपेक्षा तू भी यार, अपेक्षा तेरा बॉयफ्रेंड कितना सिंपल है, मेरे बॉयफ्रेंड को देख कितना स्मार्ट है, उसके बॉयफ्रेंड को देख कितना हैंडसम दिख रहा है। यार सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, वो अपने स्टाइल में खुश है तो मैं भी हूँ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तू आज सैड क्यों दिख रही मेरे को? कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड बोले कि तेरा बॉयफ्रेंड कितना चम्मू हुआ है ऐसा वैसा, कि कुछ भी स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। अरे उनकी बातें क्यों दिल पे लिया करती तू भी, मैं तेरे को पसंद हूँ ना। फिर हो गया, उनका क्या करना अपने को, मैं तेरे को पसंद हूँ, तू मेरे को पसंद है, खत्म। जान दे तू सैड मत बहुत, ठीक है? क्यों रे क्या हो गया? कुछ नहीं। बता ना क्या हो गया? अरे यार वो अपेक्षा की फ्रेंड बोलती रहती तेरा बॉयफ्रेंड चंपू है, तेरा बॉयफ्रेंड सिंपल दिखता, अगर किसी कोई उसे ऐसा बोलते ना तो मेरे को यार अच्छा नहीं लगता भाई। रुक अभी तेरे को ऐसे चेंज करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सच में? चल तू मेरे साथ। निकल। इतना चेंज हो गया मेरे लिए, सही में। तेरे लिए तो करना पड़ा, बाकी क्या है। थैंक यू, इतनी इम्पोर्टेंस तेरे को देने के लिए। अब अच्छा दिखता ना? हाँ बहुत। तेरे फ्रेंड अच्छा बोलेगी ना मेरे को? हाँ बहुत। भाई 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 वो देख वो देख। अरे कभी हमारे साथ भी सेल्फी ले लिया करो भाई। क्या दिख रही है देखो ना, वो तो लाजवाबी दिख रही है, उसमें क्या है। अरे भाई भाई वो भाभी को कुछ बाहर के लड़के छेड़ रहे। चल कौन लौट रही हो भाई? रुक आज मैं अकेला जाके देखता। पक्का? हाँ भाई। ज्यादा बज रही होंगी तो कॉल डालना। हाँ भाई। अपेक्षा प्रांजल 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 निकल। अपेक्षा के लिए कुछ भी। अरे भाई
की बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पर रिंग दी। वाओ अच्छी है। तेरे बॉयफ्रेंड तुझे क्या दिया? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं दिया। अच्छी है। पैसे मिले कि नहीं मिले? मेरा नाम बता ना उसको। एक मिनट रुक, उसकी गाड़ी उठा के ला, ठीक है ना? मेरा नाम बताना उसको। एक मिनट में फोन कर रहा, रुक। क्या हुआ रे? बादशाह भाई पैसे चाहिए थे, जरूरत के पैसे। कितने? 5,000 चाहिए थे बादशाह भाई। तेरे को कब से पैसे का काम लगने लगा रे? थोड़ा अर्जेंट काम था बादशाह भाई। अर्जेंट काम था क्या? हाँ भाई। कब देंगे? 2 दिन में लौटा दूंगा बादशाह भाई। पक्का? हाँ भाई। 5,000 ही होना था क्या? हाँ भाई। हाँ ठीक है, चल 2 दिन में लौटा दूंगा। हाँ चल। अरे यार प्रांजल, सही बता रही, तूने जितनी इंपॉर्टेंस मेरे को दी है मेरे लाइफ में मेरे को किसी ने नहीं दी है, किसी ने भी नहीं। इसलिए मैं फील करती हूँ कि तू है, मतलब कुछ है मेरे लिए करके। मैं तेरे लिए, तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। शादी करूँगी तो तेरे से ही करूँगी, और किससे नहीं करूँगी। और मैं अपनी लाइफ तेरे बिना बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती। तो तू मेरे को प्रॉमिस कर कि तू मेरे साथ ही रहेगा और लाइफ भर, फ्यूचर में भी। प्रॉमिस। मेरे को तो तेरा रिंग कहाँ से लेके आई? वो छोड़ना पगली, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यार अभी काम भी पड़ गए यार, पानी दे दिया। मालती, मालती प्रांजल कहाँ गए रे? सोया है, बैंक से लेटर आया है। यार इसे छुपा के रखना और प्रांजल को दिखना नहीं चाहिए कि हमने उसके पढ़ाई के लिए होम लोन लिया है। हाँ ठीक है, छुपा दूंगी। और अभी गुड़िया के डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी पैसे लग रहे हैं, और हमने जो घर लोन पे लिया है वो भी चुकाना बाकी है, और मेरे पैर से भी अभी काम नहीं हो रहा। तो मैं डॉक्टर के पास गया था कि वो बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अभी प्रांजल भी घर आया है तो उससे भी पैसे देने पड़े। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं वो बेच कर अभी प्रांजल को पैसे दे दूंगी। और सविता दीदी बोल रही थी कि उनके घर में काम वाली बाई की जरूरत है बर्तन मांजने के लिए, तो मैं चले जाऊंगी और एक दो घर और ढूंढ भी लूंगी। बेटा प्रांजल, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? पढ़ाई ठीक चल रही पिताजी, मैं मन लगा के पढ़ता हूँ, आप उसकी फिक्र मत करो। हाँ तू मन लगा के पढ़ाई कर बेटा, ठीक है? हाँ पिताजी। बे इधर आ। कहाँ था इतने दिन से? मैं गांव गया था। तू पैसे देने वाला था ना? हाँ मैं देने वाला था, लेकिन एक हफ्ता बोल के पैसे लिया था तूने, आज के आज पैसे होना मेरे को शाम तक ब्याज के साथ। हाँ। क्या बोल रहा? हाँ। ये तो घर पे बताऊंगा तेरे। हाँ आज देता। चल जा, चल। प्रांजल इधर आ। कब आया गांव से? कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई अभी चाहे मैं आपको कॉल कर रहा था अभी। और उस दिन बादशाह से क्या बात कर रहा था? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को? भाई वो तेरे को 5 मिनट में मिलता। हेलो प्रांजल रुक, कहाँ पे गया था? दिखाई नहीं, कहाँ पे था तू? अरे गांव गया था ना मैं, ना कॉल उठा रहा था ना कुछ उठा रहा था, कहाँ पे था? कुछ तो बोल के जाता कि कहाँ पे गया करके। अरे अभी चाहे तेरे कुछ मिलने आ रहा था मैं अभी। क्या हुआ तेरे को? कुछ भी तो नहीं, एकदम उदास उदास सा है। मतलब कुछ हुआ है क्या फैमिली में? कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या? नहीं रे कुछ नहीं, सब कुछ तो ठीक है। तेरे आगे कुछ प्लान्स वगैरह क्या है तेरे आगे के? मतलब आगे आज तो ऐसे क्या करने कुछ वाला है मेरे को? आगे क्या करने वाला तू? जैसे कि कुछ करेगा, मतलब कि कब इंजीनियरिंग वगैरह कम्प्लीट करने का इरादा तेरा? क्योंकि मेरे घर पे रिश्तेदार आ रहे देखने के लिए मेरे को, बट तू टेंशन मत ले, मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी, तो उसमें कुछ तेरे लिए प्रेशराइज नहीं है कि तू करेगा करके ऐसा वैसा। मैं कर लूँगी रिजेक्ट उनको, बट अगर तू कुछ बन जाएगा तो अपने घर पे बता दूँगी कि ये है, मैं बता दूँगी फिर उनको कि
कर लिया उसने करके, इसको मैं लाइक करती हूँ करके, तो तब प्रॉब्लम नहीं होंगी। एक मिनट कॉलर। हेलो, देख प्रांजल घर से कॉल आया है, तो तू जा सा तो टेंशन मत ले, देखते अपन कुछ, ठीक है? चल यार। हेलो, क्या भाई रिजल्ट लग गया? रुक जा देखता हूँ। हेलो माँ, माफ कर देना मुझे। सर रिजल्ट लगा, देखे क्या आपने? प्रांजल का देखे? क्या हुआ उसका? पता नहीं सर, आपके साथ था ना? है कहाँ पे वो? मुझे नहीं पता सर। अरे सुबह तो देखा था मैंने उसको कैंटीन में। जोरदार। रुक कॉल डालता। हाँ भाई कहाँ पे? वो छोड़, आज के बाद मैं तुझे कभी दिखूंगा नहीं। क्या? गाड़ी निकालो। प्रांजल उठ, प्रांजल, प्रांजल उठ, प्रांजल, 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 प्रांजल उठ, मर गया हो, प्रांजल, भाई मर गया हो, प्रांजल उठ, नहीं जिंदा है वो, प्रांजल, मर गया हो, प्रांजल कौन आ रही है आइटम? अरे ये तो गुड़िया है, प्रांजल की बहन जिसने सुसाइड किया था। कहाँ जा रही हो? वो तो गया, अब तुझे कौन आएगा बचाने?